सब समझदार बच्चे बैठे हुए हैं, हम गांव के लोग, हजारों बच्चे आपके साथ में हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं। हम यही मानते हैं कि हजारों जहां बच्चे जहां पहलवानी कुश्ती करते हैं, अगर थोड़ा हमारे से आस पास पड़ा तो हम कैसे कुश्ती करेंगे? हम किसी को परेशान नहीं करते, हम सहयोग लेते हैं और सहयोग देते हैं। डॉक्टर साहब से भी ऐसी आप प्रसन्न चाहते हैं कि नोएडा में चाहे 123 में हो चाहे 54 में हो, कहीं भी हो, नोएडा में कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए, हमारा ऐसी मांग है। और डॉक्टर साहब को हम मेहनत से ये बात करें, नहीं तो ये पूछ रहे हैं सब राजनीति करने को बाहर हो रहे हैं, हम उसे पूछते हैं कि नहीं वाले उपस्थित भाइयों बहनों, यहाँ पर उपस्थित पहलवान जी, भाई रघुराज जी, भाई राणा जी, अशोक चौहान जी, भाई सुबाराम जी, भाई सुनील जी, शिशु जी बैठे हैं, आपका वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी दलों की रोगी माताएं करते बैठी है। हमने से कोई भी किसी दल का प्रतिनिधि नेता होने से पहले हम सब लोग ने नोएडा के बाद पहला ये है कि हम अपने भाई बहनों के दर्द को समझें, उसके दर्द में आपके साथी सहयोगी बने। शाम 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ तिवारी जी, हम कर लेंगे, वो भी अपने आप कर लेंगे, आप वो कर लेंगे अपने सब भाइयों के साथ, हम कर लेंगे, हम कोई भी काम देश का, प्रदेश का, समाज का, अकेला कोई व्यक्ति नहीं होता है, मैं कर दूंगा पूरा, ये संभव नहीं है, सब लोग हम साथ इस पर चलेंगे। ये एक सामाजिक समस्या है, कोई राजनीतिक समस्या नहीं, और इसका हम सबका, हम सबका सहयोग, सबका ध्येय ये है कि यहाँ पर ये कूड़ा, मैं जब मुझे बताया गया तो मैं रात को यहाँ आया खुद, और मैं यहाँ खड़ा हुआ गाड़ी से निकल के, मैंने देखा मकान नाक बंद करना पड़ा था, इतनी बदबू किया मैंने, फिर चेयरमैन नोएडा से, सीओ नोएडा से व्यक्तिगत रूप से इससे बात करी, और अपने आने से पहले भी उनसे बात करता रहा। यहाँ जब मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा भाई माफ चाहूंगा, मैं स्पीकर पर बोल दूँ, बोलूँ जी 2 मिनट तो हमारे भाई एनके सिंह जी, सुरेश तिवारी जी बैठे हैं, भाई सक्सेना जी बोलो भाई आप 2 मिनट या 5 है, मैं उनसे ये बात करके आया हूँ, और भाई रघुराज जी को, सभी को, हम सब पहले किसी नेता राजनीति हम देश के लिए करते, सब लोग लेकर व्यक्तिगत नहीं होती, सबका ध्येय एक, देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, अपना नोएडा, ग्रेटर नोएडा आगे बढ़े। उस विषय में मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 54 के अंदर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, मैं अभी अधिकारियों से बात करके आया हूँ, मुझे बता दो कितने समय में आप इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लेंगे, इसको यहाँ नहीं उठा के कहाँ डालेंगे? उन्होंने कहा साहब हमें 3 दिन का समय दे दें, हम इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए, उन्होंने बेटा शुरू किया था, लेकिन दिल्ली वालों ने कहा कि जब तक भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था कहाँ करनी है, उसके लिए उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा, लेकिन मैं आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको मुझे दिखाऊंगा अगर यहाँ दोबारा पब्लिक कहा करेंगे तो मैं चुनाव लड़ना, हमारा कानून डॉक्टर साहब सुनो, डॉक्टर डॉक्टर साहब ने बोला है, पूरी दुनिया में उस तरह का रोल नहीं है, बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब ने बोला है, बोला है, और एनवायरमेंट तो उसके आपके पास है, अपनी बात है, डॉक्टर साहब सॉरी प्लीज सुनिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर
एक एक मिनट बताओ 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 ये जो नाम यहाँ बने हैं, जो नाम बने हैं वो इन्वॉल्वमेंट के तहत